welcome to make it easy Gynosium is the female reproductive part of flower and it is made up of one or more carpels a carpel consists of three parts namely stigma style and ovary ovary is the largest basal part on which lies the elongated tube the style the style connects the ovary to the stigma स्टिग्मा इज यूजली द टिप ऑफ दाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ फॉर पॉलिंग ओवरी बियर्स वन और मोर ओव अटैच टू अ फ्लैटेंड क्वेश्चन लाइक प्लस इंटा गाइनोशियम इज अल लाइक दिस यूनिट कार्पल या पिस्टिल अब कार्पल और पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी अभी अभी हमने स्टिग्मा के बारे में पढ़ा है स्टिग्मा क्या है एक रिसेप्टल है जो कि पॉलिन को रिसीव करेगा स्टाइल क्या है ये थिन देखिए पढ़िए ये कनेक्शन है स्टाइल कनेक्ट्स दी ओवरी टू द स्टिग्मा एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है ये हमारी ओवरी है ओवरी के अंदर की जो कैविटी है उसको ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल कहते हैं अब ये जो ओवरिन कैविटी है इसके अंदर यहाँ प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं जैसे ये हमारे हाथ है ये ये जो पाम है पाम से ही फिंगर्स अटैच हुई हैं फॉर एग्जांपल वैसे ही ये जो ये हमारा प्लेसेंटा है उससे ओव्यूल्स जुड़े हुए होते हैं ओव्यूल को हम मेगा भी कहते हैं ये पार्ट हम ट्वेल्थ में पढ़ते हैं सो so, ओव्यूल कहाँ से अराइज हो रहा है मेगा स्पोरेंज ओव्यूल अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा अब देखिए आगे चलते हैं तो ये क्वेश्चन लाइक -like होता है जिसमें ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू अ फ्लैट क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा अब वैन मोर देन वन कार्पल इज प्रजेंट दे में बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज आर कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन दे आर टमड एज सिन कार्पस वेन कार्पल्स आर फ्यूज एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इंटू सीड एंड ओवरी मेच्योर्स इन टू फ्रूट अभी अभी आपने देखा सिन कार्पस मस्टर्ड और टोमेटो में होता है ये बात इलेवेंथ एनसीआरटी में दी है अब मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों को समअप किया हुआ है फ्लावर में दो तरह की कंडीशन हो सकती हैं या तो सिर्फ एक कार्पल एक फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो मोनोकार्पेलरी कंडीशन सिंगल कार्पल के लिए एग्जांपल है पी फेबिसी फैमिली मल्टी कार्पेलरी में दो तरह के कंडीशन आते हैं फ्यूज़ और फ्री कार्पल फ्यूज़ कार्पल को हम सिन कहेंगे उसका एग्जांपल ट्वेल्थ में दिया है पपावर और एलिवेंथ में अभी आपने देखा टोमेटो और मस्टर्ड दिया है इसको याद करने की एक ट्रिक है खुश मस्त पापा टॉम के साथ सीनरी देखने गए तो मस्त से मस्टर्ड पापा पपावर टॉम टोमेटो और ये एडिशनल और सीनरी से आपको सिनकारपस याद आ जाएगा अब आते हैं जो फ्री कंडीशन है यानी स्वतंत्र एपोकारपस कंडीशन जिसमें मल्टीपल कार्पल जो है फ्यूज़ होते हैं कार्पल पिस्टल भी कह सकते हैं इसमें ट्वेल्थ में, में एग्जाम्पल दिया है माइकीलिया और एलेवेंथ में दिया है लोटस और रोज़ मल्टीकारपलेटी कंडीशन में एपोकार्पस जो फ्री पार्ट ऐसे होते हैं ऐसे अलग अलग दिखेंगी आपको लेकिन सिन में से जॉइंट हो जाता है ये मैंने माइकीलिया का डायग्राम बनाया हुआ है इसको याद करने का तरीका है अपोलो हॉस्पिटल गिव रोज टू माइकल गिव्स रोज टू माइकल अपोलो एपोकार्पस एडिशनल पार्ट रोज रोज़ टू माइकल यहाँ अपोलो में अपोज से एपोकार्पस कंडीशन लो से लोटस या आप ऐसे याद कर सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल रोज और लोटस दोनों देता है रोज उसको प्यार दिखाने के लिए और लोटस बस यूं ही दे देता है मे बी वो भाजपा का कैंडिडेट हो उसको थोड़ा अच्छा लगे तो ऐसे हम याद कर सकते हैं तो थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू करा दिया जाए ये है पपेवर का डायग्राम ट्वेल्थ की एन में ये है माइकीलिया का डायग्राम एपोकार्पस कंडीशन मल्टी माइकेलिया माइकीलिया और ये हिबिस्कस है इसमें सिनकार्पस ओवरी होती है और इसमें इसका जो स्टाइल होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे फ्री रहेगा ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं पाँच ऐसे रहते हैं अब देखिएगा तो ये है कुछ पार्ट एन ट्वेल्थ में देते हैं कुछ पार्ट एलेवेंथ में लिखा हुआ है तो बस स्मार्टली हमें याद करना है सारे एग्ज़ाम्पल इस टेबल की मदद से